जाने रहमान जाने रहमान जाने रहमान जाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله रहीम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस सलाम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैह। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद कहते हैं जान रहमत इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम बहुत ही एक अहम टॉपिक जिसके हवाले से गुफ्तगू होगी, उस्वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुरान पाक की रोशनी में। यानी कुरान पाक, हम जब कुरान का तस्करा करते हैं तो हम ये भी तो जानते हैं ना कि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा नातिके कुरान हैं। यानी उनकी ज़िंदगी का गुज़रा हुआ हर लम्हा हमें वो प्रैक्टिकल दिखाता है। हम सबको सीखने की ज़रूरत है उस प्रैक्टिकल लाइफ से जो आकाए दो जहान ने गुजारी। जो तमाम थेरी, जो शरीयत हमें कुरान में हम पढ़ते हैं उसका अमली नमूना आका की ज़ात है। और आज इसी हवाले से होगी कि हम आका की ज़िंदगी के ऊपर अमल करके किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से, जिस तरह से वो आती है ना आज़ान में आवाज़ आती है हैया अलस सला हैया अलल फला, किस तरह से हम फला पा सकते हैं, किस तरह से हम इर्तका की मंजिलों को अबूर कर सकते हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने तिलावत कलाम पाक सुनने का शर्फ़ हासिल किया और आमना नौरीन ने बहुत ही खुश लहन, बहुत
खूबसूरत अंदाज में आप लोगों के सामने तिलावत कलाम पाक की। मैं जो आज हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस्लामाबाद से, ख़ास तौर पर इन प्रोग्राम्स के लिए आई हैं, एकेडमिक राइटर भी हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, राज़िया नवीद साहिबा, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ हैं सलमा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया। उनके साथ जी हमारी बहन आयशा बतूल साहिबा हैं, नौरीना इम्तियाज़ हैं हमारे साथ, और हाफिज़ा महक बतूल, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं दावत दूंगी नौरीना इम्तियाज को कि तशरीफ़ लाएं और हदिया इनात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदिना अली व सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। मरहबा 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 आमदे मुस्तफा। मरहबा रोशनी सबके घर हो गई।
सुभान अल्लाह, बेशक। आइए आगाज़ गुफ्तगू करते हैं। राज़िया नवीद साहिबा, आपको दावत दूंगी कि आप आइए ताकि हम आज आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं ये चाहूँगी कि आयात कुरानी की रोशनी में उस्वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहमियत है वो बयान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उरूज। ये इतना मैं समझती हूँ अहम टॉपिक है कि अगर हम सब मुसलमान इस पर अमल करने लग जाएं तो हमें हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह से ऐसी खैरात नसीब हो कि हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील होकर रह जाएं, बदल कर रह जाएं और यकीनन फला और कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर बने। सबसे पहले आप देखें, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में एक जगह ऐलान फरमाया और पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए फरमाया, लकत काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, के बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक ने यह ऐलान फरमा कर आपको एक रास्ता दिखा दिया कि अगर तुम दुनियावी कामयाबी चाहते हो तब भी, और अगर तुम उखरवी कामयाबी चाहते हो तो तब भी, मैंने सब कुछ ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रख दिया है, बस इनको फॉलो कर लो। बेशक फिर उरूज ये ऐलान फरमाने के बाद अल्लाह पाक ने इस बात को यहीं पर छोड़ नहीं दिया कि अमल कर लिया तो ठीक, ना अमल करोगे तो तब भी ठीक, नहीं। फिर एक और जगह हुक्म फरमाया, वअतीउल्लाह वर्रसूल, हुक्म दिया कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। फिर आप देखें आगे चलकर एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रसूल की इताअत करेगा वो सिर्फ रसूल की इताअत नहीं है, वो अल्लाह की इताअत है। मैं युति रसूला फ़कद अता अल्लाह, कि बेशक जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली उसने बराह रास्त अल्लाह की इताअत कर ली। बेशक। अब जब हम इताअत के इस कॉन्सेप्ट को, इस इत्तिबा को समझें तो एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि इत्तिबा सिर्फ ये नहीं है या इताअत सिर्फ ये नहीं है कि नमाज़ पढ़ने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार कर लिया, रोज़ा रखने के लिए तरीका इख्तियार कर लिया, ज़कात या हज अदा करने के लिए नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात के मामले में हमें जो कुछ सिखाया हमने उसकी भी इताअत करनी है। अपनी घरेलू लाइफ के हवाले से, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी हमने उसको भी फॉलो करना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक सिपा सालार कैसे थे हमने उसको भी फॉलो करना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक उस्ताद, एक टीचर कैसे थे हमने उसको फॉलो करना है। वो एक हुक्मरान की हैसियत से उन्होंने क्या किरदार अदा किया उसको भी फॉलो करना है। यानी ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ अपनी मर्ज़ी की उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात मुबारक से उठा लें और बाकी सब को इग्नोर कर दें, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कामयाबी तभी मिलेगी, अल्लाह की बारगाह से नसीब होगी जब हम, कुरान पाक की एक आया मुबारक है ना, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस तरह से अल्लाह के सामने और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर करो कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी उनकी मर्ज़ी के अंदर गुम हो जाए, फना हो जाए। और फिर अल्लाह ताला ने इस इताअत का आपको अजर क्या दिया है, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक कायम करने से नहीं मिलनी जब तक के रास्ता मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करके और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक कर उनकी बारगाह से खैरात लेकर उनकी इत्तिबा करके उनकी इताअत करके तुम अल्लाह के रास्ते की तरफ सफ़र का आगाज़ नहीं करते। और फिर बड़ी प्यारी और अजीब बात है इस आया मुबारक में, अल्लाह ताला ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम महबूब की इताअत करोगे तो तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लोगे, नहीं फरमाया मैं खुद मोहब्बत करने लग जाऊँगा। यानी इस रास्ते पर तुम आओगे तो तुम्हें इजहार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, रब फरमाता है मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हें इस तरह से मोहब्बत से नवाजूंगा कि तुम्हारी दुनियावी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी उखरवी, तुम्हें दुनिया की कामयाबियाँ भी नसीब हो जाएंगी और तुम्हें आखरत की भी कामयाबियाँ नसीब हो जाएंगी। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने बयान किया। और यही जो मामलात हैं ये सीखने के लिए ये महफिल सजाई गई है कि आका की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में गुफ्तगू की जाए। अब मैं दावत दूंगी आयशा बतूल साहिबा को कि तशरीफ़ लाएं और ये जो खुशनसीबी आपके हिस्से में अल्लाह की ज़ात ने आपके मुकद्दर में रखी हुई है उसका वो जो अकीदत है और जो मोहब्बत आपके दिल में है उसका इजहार कीजिए।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لما अल्लाहि वबरकातुहु। जानी रहमत खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सज गए आपकी महफिल को सजाने वाले, सज गए आपकी महफिल को सजाने वाले, सोने महबूब का मीलाद मनाने वाले। आमना पाक तेरा चांद मुबारक हो तुम्हें, हो तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले। अपने हर अश्क से पलकों को चरागा कर लूँ, मेरे सरकार हैं इस बज़्म में आने वाले। दूर अब सबके मुकद्दर का अंधेरा होगा,
दूर अब सबके मुकद्दर का अंधेरा होगा, आ गए चांद को कदमों में बुलाने वाले, और कितना सच है ये कॉल रजा का साइम, मिट गए आपका अज़कार मिटाने वाले। अब मैं दावत दूंगी हाफिजा महक बतूल को कि तशरीफ लाएं और अपनी अकीदत का नजराना पेश करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طلع البدر علينا من سنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي حضور آئے हुए रवाना
बच्चियों ने ये गीत गाए तो बच्चियों ने ये गीत गाए सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आइए आगाज़ गुफ्तगू करते हैं। मैं ये चाहूँगी कि असहाबे कराम के जो उस नूर को ना सिर्फ देखते थे, महसूस करते थे, और जब आका किसी पे नज़र कर देते थे तो वो लोगों के दिल किस तरह से बदल जाते थे, और आज के दौर में भी हम ऐसा कभी महसूस करते हैं कि कई दफ़ा उनकी नज़र करम ऐसी पड़ती है कि दिल भी बदल जाते हैं, ज़िंदगियां भी बदल जाती हैं। मैं चाहूँगी कुछ ऐसे वाक़यात कि जिनकी वजह से हमारी रूह और ईमान ताज़ा हो जाए। उरुस, सबसे पहले मैं हज़रत अबुल हुसैन वर्राक रहमतुल्लाहु ताला उनका एक कॉल बयान करती हूँ। आप रहमतुल्लाहु ताला एक मकाम पर फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ मोहब्बत की अलामत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए, कि वही बात कि अल्लाह की मोहब्बत तभी मिलेगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होगी। अब इत्तिबा का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि आप सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का मुताला करें तो ये बात बड़ी वाज़े होगी कि उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखते, आपके अबरू मुबारक को देखते, क्या इशारा मिलता है, क्या हुक्म मिलता है, बस जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक वो अमल करते चले जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी हमें इश्क और इत्तिबा की अगर हम मिसाल सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी से यानी इज्तिमाई मिसाल तलाश करना चाहें तो वो तहवील काबा का वाक़या है, किबला का वाक़या है। क्यों? कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर मौजूद हैं, इमामत फरमा रहे हैं, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आपके पीछे खड़े हैं, नमाज के दौरान हुक्म आता है। आज हम हों तो हम कहेंगे कि अल्लाह की नमाज पढ़ते पढ़ते रुख कैसे फिर गया, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ही हुक्म मिलता है वो अपना चेहरा बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ मोड़ते हैं, और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के, किसी शक व शुबे में मुब्तला हुए बग़ैर, कोई सवाल पूछे बग़ैर कि ये हुआ क्या है, वो अपना रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही काबतुल्लाह की तरफ मोड़ लेते हैं। यानी मोमिन की पहचान ये है कि वो अपने महबूब से सवाल नहीं करता कि क्यों, कब और कैसे, बस वो आँखें बंद कर इत्तिबा करता है, इताअत करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अंगूठी बनवाई, सोने की अंगूठी, पहनना हराम है लेकिन उस वक्त अभी इजाज़त थी, अंगूठी बनवाई, सहाबा कराम ने आपकी इत्तिबा करते हुए अंगूठियां बनवा ली, और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी सोने की पहनने को हराम करार दिया तो उतार कर फेंक दिया उसको, और इत्तिबा की इंतहा देखें कि किसी सहाबी ने यह सवाल नहीं किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ऐसा किया, बल्कि उन्होंने भी अपनी अंगूठियाँ सोने की उतार कर फेंक दें कि जब हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पसंद फरमा रहे तो फिर हमें उस पर सवाल की इजाज़त नहीं है। फिर आप देखें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा हजरे अस्वद के करीब जाते हैं और उसको जाकर बोसा देते हैं, लेकिन बोसा देने से पहले उसको मुखातिब करके कहते हैं, ऐ हजरे अस्वद, तेरी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, तू एक आम सा पत्थर है, तू ना मुझे नफ़ा दे सकता है ना मुझे नुकसान दे सकता है, मगर मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोसा देता हूँ कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते देखा था। तो वो बंदा सोचे कि वो तो उन होंठों के लमस को तलाश फरमा रहे थे उस हजरे अस्वद के ऊपर और उसकी बुनियाद पर वो बोसा दे रहे थे। अच्छा, यहाँ मैं एक वाक़या ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ईरानी गवर्नर जो था, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बहुत ज़्यादा फतूहात हुई थी, आपके दौर में जब एक ईरानी गवर्नर को आपके सामने पेश किया गया और पूछा गया कि तुम शिकस्त पे शिकस्त खाते जा रहे हो, इसकी वजह क्या है, तो वो ईरानी आदमी कहने लगा, जर्नैल उसने कहा कि हम शिकस्त नहीं खा रहे बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ने
تم اہل عرب کو اس طرح سے تبدیل کر دیا ہے کہ ہماری تہذیب تمہاری تہذیب کے مقابلے میں شکست کھا گئی ہے. کہ وہ تم وہ لوگ تھے جو بدو تھے, ہم تمہارے اونٹ تمہاری بکریاں ہانگ کر لے جاتے تھے اور تم میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا پیچھا بھی کر لو, مگر اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نے تمہیں اس طرح سے بدل دیا کہ ہماری تہذیب آج شکست خوردہ ہے. بہت بہت شکریہ راضیہ صاحبہ, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اور واقعی جو گفتگو کی وہ دل پہ لگی. اور دعا کیجئے کہ جو نورانی محفل ہے اور جو نور کی باتیں ہیں یہ ہمارے دل کو پر نور کریں, اس طرح روشن کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. اور میں دعوت دوں گی سلمیٰ خان صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کیا بشر کر سکے گا ثنا آپ کی کیا کرے گا بشر احترام آپ کا جس قدر فاتح عقل انسان میں ہے ان سبھی سے ہے بالا مقام آپ کا وجہ تسکین دل ذکر کیسے نہ ہو صبح ہو شام آپ کا کیوں نہ ہو آپ کا نام ورد زبان اس میں آزم ہے لا ریب نام آپ کا کیوں نہ ہوا آپ کا نام ورد زبان اس میں نہ کوئی کر سکا آپ کی ہم سری ختم ہے آپ پر شوکت کشوری آپ کے در کا ہر ایک گدا ہے غنی ہم سرے تاجور ہر غلام آپ کا ہے مزمل
हक ने यासीन कह कर पुकारा कहीं बेलकब नाम कुरआन में आया नहीं अल्लाह सना आपकी क्या करेगा बशर हे तेरा माफ़का सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी दुआ के साथ हम अपने आज की इस नशिस्त के इख्तिताम तक आन पहुँचे हैं और आखिर में रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका ए नबी ए पाक महबूब किबरिया हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। हम यकीन आप जानते हैं हमारे दिलों को कि हम अपने दिलों में ये इरादा करके बैठते हैं कि हर रोज़ जो ये नशिस्त सज रही है जिस नशिस्त पे हम बैठते हैं जो मजलिस होती है कि इसके सदक़े में आप हमारे दिलों को तब्दील कर दें कि हम ख़ुद महसूस करें कि वाकई ये तमाम महफ़िलें अटेंड करने के बाद ये महफ़िलें सजाने के बाद हमारी ज़िंदगियाँ हमारी सोचें बदल गईं। आइए हम पेश करते हैं दरूद और सलाम का हदिया हमारा साथ दीजिए। ऐ शहनशाह मदीना खुद मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु झुकाकर बादब इश्के रसूल अल्लाह में सर झुकाकर बादब इश्के रसूल अल्लाह में सर झुकाकर बादब इश्के रसूल अल्लाह में कह रहा था हर सितारा कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मैं वो तो शहनशाह मदीना अस्सलातु